अच्छे से होंगे फर्स्ट क्लास होंगे एक बार आ जाइए जल्दी से फटाफट से सेशन से को ज्वाइन कर लीजिए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू चलिए जी एक बार फटाफट से, से, से को सेशन को शेयर कर दीजिए सेशन को ज्वाइन भी कर लीजिए एंड ऑल आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल आप सभी लोग अच्छा कर रहे होंगे फट चलिए आवाज प्रॉपरली नहीं आ रही है एक सेकंड रुको तो हेलो 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 अब देखिएगा आवाज ठीक आ रही है हेलो 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 अब देखिएगा आवाज ठीक आ रही है चलिए अभी ठीक आ रही है ना आवाज़ ठीक है चलो यार चल जाएगा काम थोड़ा बहुत चला लेना जैसे चलेगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पिछली बार भी जब ऐसे क्वेश्चन लाया था ना तभी समस्या आई थी और इस बार भी ऐसे क्वेश्चन लाया हूँ तभी समस्या आ रही है ठीक है चल जाएगा ना काम ऐसा तो कुछ नहीं है दिक्कत मतलब अरे धीरे आ रही है उसकी दिक्कत नहीं है तेज़ आए ना आए बस क्लियर आ जाए इतनी समस्या है चलिए गुड मॉर्निंग डेविल जी शुभम जी दीक्षा जी रवि एडिटर साहब रुचि रानी जी अनू जी लक्की राज जी बहुत बहुत स्वागत है सर सर करंट से करंट को दिखता है अनु जी स्टूडियो भी डरता है सर चलिए पुनपुन बिहार साहब बहुत दिनों बाद देखे हैं भाई कहाँ थे सर सवाल पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है सवाल है रिसेंटली द वर्ल्ड लार्जेस्ट सिक्सटीन मेगावाट शोर विंड टर्बाइन शोर मतलब वो जो किनारे पर होता है ना शोर उस पर फॉलोइंग सवाल है कि हाल ही में दुनिया के सबसे बड़ी 16 मेगावाट ऑफ पवन टर्बाइन मिंग स्मार्ट एनर्जी सोलह दो सो को निम्नलिखित में से किस तरीके से पूरी तरह चालू कर दिया गया है क्या हाईलाइट कर लो अगर मैं आपकी जगह होता तो किसे हाईलाइट हो करता अगर मैं आपकी जगह होता तो देखिए हाईलाइट करता दुनिया की सबसे बड़ी मैं इसे हाईलाइट कर लेता की सबसे बड़ी मतलब दुनिया की सबसे बड़ी है तो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट है सर ठीक है दुनिया की सबसे बड़ी है सर पुनपुन -पुन ही सम्राट है अच्छा कितनी आईडी बना रखी है <coughs> देखो अगर इस क्वेश्चन का जवाब मुझसे मांगा गया होता मुझे नहीं आता होता तो मैं बस इसको देखता मिंगान मैं इसको देखता मिंग और देखता कि कोई ऐसी कंट्री मुझे यहाँ पर नजर आ रही है जो कहीं ना कहीं ऐसे ही शब्द को प्रयोग करने में बिलीव करती है तो सीधा ऑप्शन नंबर ए टिक कर देता चाइना ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है चीन चाइना इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है नाम याद रखना टर्बाइन का नाम क्या है वर्ल्ड लार्जेस्ट है 16 मेगावाट ऑफशोर टरबाइन आपको देखने के लिए मिल जाएगी फुली ऑपरेशनल कर दिया गया है इसे कौन सा देश है तो चाइना की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही जवाब है दूसरा क्वेश्चन पढ़िए जल्दबाजी मत कीजिएगा आराम से पढ़िएगा जितनी आराम से पढ़ेंगे उतना फायदा है हाल ही में निम्नलिखित में से किसने पूर्व नौसेना कमान पूर्व नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्यभार संभाला है रिसेंटली Who among the following has अज्यूम चार्ज एज अ फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न नेवल कमांड रिसेंटली हाल ही में हाल ही में में से किसने पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्यभार संभाला है करिए सर ट्राई इमाम भाई नॉबल ले ले क्वेश्चन कैसा लगा पहले तो यह बताओ मतलब एकदम बढ़िया लग रहा है तो क्लास को एक बार लाइक करो क्लास को एक बार शेयर भी करो चालीस क्वेश्चन है और चालीस ऐसे क्वेश्चन है चालीस क्वेश्चन तक पहुँचते पहुँचते पता क्या बोलोगे कि सर हाथ जुड़वा लो मतलब मत लाया करो क्वेश्चन कसम से बोल रहा हूँ चालीसवें क्वेश्चन तक पहुँचते पहुँचते यही बोलोगे सर गलती कर दी मैंने मतलब गलत लाइन में कूद गया हूँ मैं जहर क्वेश्चन है एकदम चलिए जी सबका गलत है ऑलमोस्ट सबका गलत है ठीक है डी सही जवाब है सम्राट बोल रहे हैं है हमारे गलत है भाई ऑलमोस्ट सब का गलत है ठीक है सवाल का सही जवाब है वाइस एडमिरल राजेश पेंडरकर इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर बीस सवाल का सही जवाब है सर देखो कहीं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं बनती है बनती तो मैं कर देता सब कुछ उसने ऑप्शन में ही डाल दिया है कि रिसेंटली फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एफ ओ आई एन सी ईस्टर्न नेवल कमांड की यहाँ पर बात कर रहा है कहाँ की बात कर रहा है ईस्टर्न नेवल कमांड की संभालने वाले का नाम क्या है एडमिरल राजेश पंडरकर इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब है एंड बोलेंगे सर जी गलत हो बेशक एटलीस्ट पता तो चलेगा हाँ सर पता चलेगा सर मैं तभी लाया हूँ क्वेश्चन ठीक है बहुत अच्छा क्वेश्चन है लिखा जितना बड़ा गया है उससे छोटा लिखा हुआ आपके एग्जाम में आएगा केवल इतना देगा फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न नेवल कमांड बस इतना दे देगा और चार ऑप्शन दे देगा और याद रखना पंडर कर बस याद रखना काम चल जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला सवाल फिर बोलूंगा सर जल्दबाजी मत करना जल्दबाजी में दिक्कत हो जाती है सर चलते चलते कोई मिल गया था सर चलते हैं फिर कल मिलते हैं ठीक है हाल ही में नेवल खित में से किसने अतिरिक्त महानिदेशक सैन्य नर्सिंग सेवा एमएनएस का कार्यभार संभाला है रिसेंटली द हैज अज्यूम द चार्ज ऑफ एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एडिशनल जनरल का कार्यकाल मतलब एडिशनल डायरेक्टर जनरल का कार्यभार संभाला है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का एम एन एस की फुल फॉर्म पूछ सकता है शॉर्ट मतलब मान लो पूछ सकता है एक छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन हाईलाइट कर सकते हैं ऑप्शन है मेजर जनरल समिता देवरानी मेजर जनरल अमिता रानी मेजर जनरल सुनीता कपूर या फिर मेजर लिल्ली थॉमस क्या रहेगा सवाल का सही जवाब सर सर पानी पी के आते हैं पानी पीने तो जा रहे हो धोने तो नहीं जा रहे भाई सब कहीं हो गया काम खेल गए तुम बैठे बैठे दो तीन आवाज़ आई चरमराती हुई और हो गया काम अबे पीने ही जा रहे हो धोने तो नहीं जा रहे भाई एक बार देख लो जरा फटाफट से क्या रहेगा सवाल का सही जवाब डी और ए और सी में से एक है मेरी माटी मेरा देश ये बता रहे हैं है, हमें विद्यार्थी एक गड़बड़ हो गया काम सारा चलिए कपूर एंड सन्स क्या सर यार मतलब तुम्हें मैं तो सोच रहा हूँ टैग लाइन रख दू नीचे मतलब यहाँ पे टैग लाइन लगा दू क्लास पे कि धोके आइए सीधा लिख दू नीचे कि धोके आइए जी चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब सर सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अमिता रानी जनरल अमिता रानी इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है सर एक्सप्लेन करने के लिए कुछ बनता नहीं है क्योंकि हाल ही में निम्नलिखित में से किसने अतिरिक्त महानिदेशक एडिशनल डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्यभार संभाला है एम मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सवाल का सही जवाब है मेजर जनरल अमिता रानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है चलिए सर कोई दिक्कत नहीं है मेरा सही था सबका सही है सर ऑलमोस्ट सभी का सही था कोई दिक्कत नहीं है मन में सही था ठीक है वैसे गलत था हाल ही में डियागो गोडिन ने पेशेवर फुटबॉल से अपनी सेवा निवृत्ति की घोषणा की है हाल ही में डियागो गोडीन ने पेशेवर फुटबॉल से अपनी सेवा निवृत्ति की घोषणा की है उन्होंने निम्नलिखित में से किस देश के लिए खेला है रिसेंटली डियागो गॉडविन हैज अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल फुटबॉल ही प्लेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज किस कंट्री के लिए उन्होंने प्ले किया है सवाल यहाँ पर यह है स्पेन अर्जेंटीना इटली या फिर उरुग्वे क्या रहेगा सवाल का सही जवाब सर करंट अफेयर कब से कब तक के हैं सर अगस्त के हैं तुम यार ढूंढ लाओगे फिर कहाँ के हैं तो ठीक है ना अगस्त के हैं सितंबर के हैं जुलाई के हैं तीन महीने के हैं जया रानी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका क्लास को भाई लाइक करो शेयर करो चालीस क्वेश्चन पहुँचते पहुँचते तुमने ना बोल दिया अगर कि मैं हाथ जोड़ के सर विनती करता हूँ डी होगा पक्का बहुत बढ़िया मंजर इमाम भी अर्जेंटीना के साथ हैं सूरज कुमार बता रहे हैं औरुग्या बहुत बढ़िया सवाल का सही जवाब क्या है औरग्ञ्या इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही जवाब है इसकी कैपिटल क्या है वट इज़ द कैपिटल ऑफ औरग्या क्योंकि न्यूज़ में है न्यूज़ में है तो सर कैपिटल के चांसेस भी बनते हैं बाकी स्पेन भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर न्यूज़ में रहा है चाहे हम बात करें वो वुमेन्स फुटबॉल वाली चाहे हम बात करें वो वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप किसने जीता है उसकी यहाँ पर अगर हम बात करें तो फर्स्ट टाइटल ठीक है बाकी अर्जेंटीना ने क्या जीता है सर तो अर्जेंटीना भी आप जानते हो सर अर्जेंटीना ने भी जीता है फीफा ठीक है किसे हराया है तो हम सभी लोग जानते हैं हराया है फ्रांस को बाकी इटली इंपॉर्टेंट है इटली किसके लिए इम्पोर्टेंट है तो इटली के अंदर 2026 के अंदर करवाए जाएंगे विंटर ओलंपिक्स कौन से ओलंपिक विंटर ओलंपिक यहां पर करवाए जाएंगे फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए इटली की प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है प्रधानमंत्री का यहाँ पर नाम क्या है इटली की प्राइम मिनिस्टर का नाम आपको क्या देखने के लिए मिल जाएगा ठीक क्लियर है जॉर्जिया मैलोनी इटली की प्राइम मिनिस्टर मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट है सर क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई थी जॉर्जिया मैलोनी ठीक तो ये भी याद रखना है ये भी इंपॉर्टेंट है बाकी सारे के सारे पॉइंट रेलिवेंट है ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही जवाब है और इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है आराम से पढ़िए सर जितनी आराम से पढ़ेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा आपका रिसेंटली हु अमंग द फॉलोविंग हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द न्यू कॉरपोरेट वाइस प्रेजिडेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंडिया एंड साउथ एशिया सवाल है हाल ही में से निम्नलिखित में से किसे माइक्रोसॉफ्ट भारत और दक्षिण एशियाई के नए कॉरपोरेट अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है पढ़ लो जितनी बार पढ़ना है उतनी बार पढ़ लो सर क्वेश्चन को कोई दिक्कत नहीं है मोदी जी के संदर्भ में हाँ जी मगर वो क्वेश्चन मोदी जी के संदर्भ में नहीं पूछेगा डायरेक्ट पूछेगा क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज़ में रही है गुड मॉर्निंग राजपूत जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका राजपूत बॉय जी ऑप्शन में है अनंत महेश्वरी पुनीत चंडोक संजय गुप्ता या फिर संदीप पटेल क्या रहेगा संजय गुप्ता जी के पक्ष में विकास तिवारी आ गए हैं हमारे स्वेच्छा राय जी संजय गुप्ता जी ही बता रही हैं सूरज भी सी के साथ हैं आरू बी और सी दोनों के साथ हैं नेहा राजपूत जी भी सी बता रही हैं सी वाले कई सारे बच्चे हैं मेरी माटी मेरे देश बता रहे हैं ए या बी में से एक है निक्की बहिना वी अच्छा वेरी गुड मॉर्निंग बहुत बढ़िया नहीं पता अमिताभ वर्मा जी बोल रहे हैं भाई साहब बेकार कोई फायदा नहीं है रिस्क लेने का जिंदगी में छोड़ दो ठीक है सर अच्छी चीज़ है स्किप करना बहुत अच्छी चीज़ है सवाल का सही जवाब है पुनीत चंडोक ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऐसा कोई है जिसके पाँच में से पाँच ठीक थे अगर ऐसा कोई है तो सल्यूट बनता है सर उसे ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब है पुनीत चंडो किस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है हाईलाइट करना है जितना उतना हाईलाइट कर लीजिए यहाँ से हाईलाइट कर लीजिए सर ठीक है पुनीत चंडो किस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला सवाल हाल ही में इंटरनेशनल बैटरी कंपनी ने निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ बैटरी विनिर्माण सुविधा बनाने के लिए नौ मिलियन डॉलर मतलब 8000 करोड़ रुपए के निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं रिसेंटली इंटरनेशनल बैटरी कंपनी हैज साइन एन इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट वोर्थ रुपीज वोर्थ डॉलर 971.89 मिलियन जिसकी वैल्यू है 8000 करोड़ रुपए विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टू बुलट अ बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी चलिए सर ऑप्शन में स्क्रीन पर है सर तेलंगाना आंध्र प्रदेश गुजरात या फिर कर्नाटका कर्नाटका वाले हैं इस बार बच्चे तेलंगाना वाले भी हैं नेहा सिंह राजपूत तेलंगाना बता रही हैं कर्नाटका वाले भी हैं इस बार कई सारे कई सारे हैं सम्राट सिंह जी राजपूत बॉय जी विक्की तिवारी विकास तिवारी जी मंजर इमाम साहब तेलंगाना बता रहे हैं चलिए तो बहुत सारे बच्चे कर्नाटका के साथ हैं इतने सारे बच्चे कर्नाटका के साथ हैं तो चलो भाई मैं कर्नाटका ही दे देता हूँ हाल ही में भारत की विश्व धरोहर के अंदर इकतालीसवीं और बयालीसवीं वस्तु को जोड़ा गया है ऐड किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में बताइए वो क्या क्या दो चीज़ें हैं एक तो शांति निकेतन मिल जाएगा वेस्ट बंगाल वाला दूसरा क्या है फटाफट -फड़ से जवाब दीजिए सर सेकेंड क्या है ब्लॉगिंग कैरियर जी बहुत बहुत स्वागत है सर वेरी गुड मॉर्निंग टू यू होशलेश्वर टेम्पल कहाँ पर मौजूद है सर कर्नाटका वेस्ट बंगाल एमडी नस अनस्टॉपेबल आपने भी कर्नाटक का ही कहा था बहुत बढ़िया सर होशलेश्वर टेम्पल है कहां पर मौजूद कर्नाटक में बहुत बढ़िया ठीक है वहां से उस क्वेश्चन को भी याद रखना वो भी इंपॉर्टेंट बन जाता है तो ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही जवाब है कर्नाटक अगला सवाल हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने अमृत वृक्ष आंदोलन शुरू किया है सवाल है अमृत वृक्ष आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्टार्ट किया है सर डायरेक्ट चांसेस है डायरेक्ट पूछे वाला जाने वाला क्वेश्चन है डायरेक्ट चांसेस है हरियाणा उत्तर प्रदेश असम या फिर मध्य प्रदेश क्या रहेगा सर सवाल का सही जवाब कर्नाटका वालों मुबारक हो तुम्हें चलिए जी राजपूत बॉय जी बता रहे असम सवाल का सही जवाब है हरियाणा उत्तर प्रदेश असम या फिर मध्य प्रदेश न्यूज़ में रहा है विकास तिवारी जी मतलब इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए आपके दिमाग में सीधा आया था ना हरियाणा मतलब एक सेकंड में क्लिक किया होगा हरियाणा अगर ऐसा था तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा एक बार सचिन चंद्रा जी बहुत बहुत स्वागत है सर वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऐसा कोई मतलब जितने हरियाणा जवाब दे रहे हैं इंस्टेंट क्लिक कर रहा है मतलब क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही अमृत वृक्ष आंदोलन हरियाणा ऐसा लग रहा है मतलब आंदोलन जैसे ही तुम आंदोलन तक पहुंच रहे हो तुम्हें सीधा क्लिक कर रहा है कि हरियाणा है ठीक है प्राण वायु हरियाणा का है फर्स्ट से सेवन जुलाई जी सर साइकोलॉजिकल इफेक्ट है वो तुम्हारे माइंड के ऊपर ठीक है गलत बता रहा है तुम्हें तुम्हारा दिमाग अमृत वृक्ष तक तुम सही पढ़ रहे हो मगर लास्ट में पहुंचते पहुंचते ना वो जो आंदोलन है ना तुम्हें हरियाणा की तरफ घुमा देता है खुद बा खुद ठीक है वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है मैंने भी जब क्वेश्चन को रीड किया मुझे भी अमृत वृक्ष आंदोलन तक पहुंचते पहुंचते, पहुंचते हरियाणा लगा मगर सवाल का सही जवाब हरियाणा था नहीं वो मैं भी जानता था मैं तो पहले से जानता था मगर मुझे वहां तक पहुंचते पहुंचते ये लगा जो भी हरियाणा जवाब दे रहा है उसकी साइकोलॉजी किस तरीके से काम कर रही है ठीक है सवाल का सही जवाब असम है कमरूप इसका पुराना नाम हुआ करता था ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब है असम इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है डायरेक्ट आएगा सर किसी एक्सप्लेनेशन का मोहताज नहीं है सवाल क्योंकि अमृत वृक्ष आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है आपको सीधा जवाब देना है कहाँ से तो हरियाणा से हाल ही में सितंबर के महीने में मनाया गया है राइनो डे वर्ल्ड राइनो डे गेंदा दिवस तारीख बता दीजिए कौन सी तारीख को बनाया गया है इसके साथ साथ असम जो है वो फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क के लिए आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं वर्ल्ड राइनो डे तो सालाना 22 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड राइनो डे चलिए जी अगला सवाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज है हाइस्ट रैंकिंग अमंग द इंडियन कॉर्पोरेट्स इन द ट्वेंटी ट्वेंटी ग्लोबल फाइव लिस्ट सवाल है निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 2023 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में भारतीय कॉर्पोरेट्स के बीच सर्वोच्च रैंकिंग हासिल की है दोबारा पढ़ लो सर भारतीय कॉर्पोरेट्स के बीच सर्वोच्च रैंकिंग हासिल की है निम्नलिखित में से वो कौन सी कंपनी आपको देखने के लिए मिल जाएगी 2023 फॉर्च्यून ग्लोबल दो पाँच सूची में भारतीय कॉर्पोरेट्स के बीच सर्वोच्च रैंकिंग हासिल की है कौन सी कंपनी है ऑप्शन है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड राजेश एक्सपोर्ट या फिर ऑयल एंड नेचुरल गैस राजेशन क्या रहेगा सवाल का सही जवाब सर चलिए जी जवाब देने की कोशिश कीजिए ऑप्शंस स्क्रीन पर हैं ऑप्शन नंबर ए बी सी या फिर बहुत भारत की ओ एन जी सी बट ऑल ओवर वॉलमार्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगी ओ वाले बहुत सारे बच्चे हैं कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ओ जवाब दे रहे हैं कुछ रिलायंस भी जवाब दे रहे हैं मगर सवाल का सही जवाब क्या है रिलायंस इंडस्ट्रीज ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्लीज़ इस पॉइंट को हाईलाइट कर लो कॉपरेट इन 2023 ट्वेंटी थ्री फॉर्च्यून ग्लोबल लिस्ट इस पॉइंट को हाईलाइट कर लो तभी आंसर क्लिक होगा अदरवाइज नहीं होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज इस क्वेश्चन का सही आंसर है अगर आपने रात दिल्ली पुलिस वाली क्लास देखी है तो आपने ये भी नोटिस किया होगा कि वहाँ पहले भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसका मतलब सी जी एल एस एस सी जो है इस प्रकार के सवाल पूछने में बिलीव करता है अगला सवाल वृक्ष स्तनपान सप्ताह सप्ताह हर साल निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है ब्रेस्ट फीडिंग डे या ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो है उसे कब ऑब्जर्व किया जाता है सालाना आठ से लेकर चौदह अगस्त पंद्रह अगस्त से लेकर बाईस अगस्त एक अगस्त से लेकर सात अगस्त या फिर पच्चीस जुलाई से लेकर इकतीस जुलाई ये सवाल पहले भी एसएससी की परीक्षा में पूछा गया है और दोबारा भी पूछे जाने के चांसेस हैं जी सर रिकॉर्डेड देखा था इसलिए करेक्ट हो गया मेरा बहुत बढ़िया भाई चलिए जी क्या रहेगा सवाल का सही जवाब वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर सालाना कब मनाया जाता है इसका जवाब आसान है प्लीज़ इसका सही देना क्योंकि ये आपने पढ़ रखा होगा मैं उम्मीद करता हूँ अमिताभ जी स्वेच्छा जी मंजर इमाम जया जी सम्राट इवोग मंजर इमाम साहब दीक्षा सिंह जी सूरज आप सभी लोग सवाल का सही जवाब दे रहे हैं सवाल का सही जवाब है एक से लेकर सात अगस्त फर्स्ट अगस्त से लेकर सात अगस्त जो है इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर आपको मिल जाएगा ठीक है इसके साथ साथ

recently the indian railway institute of signal engineering and telecommunication has signed a mou with which of the following institutions to establish the india 5g द हाल ही में भारतीय रेलवे सिग्नल इंजीनियरिंग और दूरसंचार संस्थान ने भारत के भारत में 5G परीक्षण स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्थान के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ऑप्शन है आईआईटी मद्रास आईआईटी दिल्ली आईआईटी कानपुर या फिर आईआईटी बॉम्बे क्या रहेगा सवाल का सही जवाब सर ऐसे क्यों होता है हम जिनको सबसे बढ़कर चाहें वो इग्नोर करते हैं सर अगर ऐसा ना होता तो हम किसी को चाह ही नहीं पाते ना तभी तो तुम चाह रहे हो क्योंकि वो तुम्हें इग्नोर कर रही है या इग्नोर कर रहा है अगर वो इग्नोर नहीं करता तो तुम किसी और को चाहते फिर समस्या ये है सर इसीलिए ऐसा होता है चलिए जी क्या रहेगा सवाल का सही जवाब ऑप्शन है सर आईआईटी मद्रास आईआईटी दिल्ली आईआईटी कानपुर आईआईटी बॉम्बे सवाल का सही जवाब है आईआईटी मद्रास ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है आईआईटी मद्रास जो है वो इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर आपको देखने के लिए मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है ठीक अगला सवाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च लीप को वर्क लॉन्च पॉवर लॉन्च इम पॉवर प्रॉस्पर ठीक है लीप की फुल फॉर्म पूछ सकता है सर एग्जाम में लीप को हाईलाइट कर लेना फुल फॉर्म पूछ सकता है रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लॉन्च लॉन्च किया है लीप लॉन्च लावर एक्सेलरेट और प्रॉस्पर जो को वर्कर्स हैं उनके लिए इसको लॉन्च किया गया निम्नलिखित में से किस राज्य ने इसे लॉन्च किया है कर्नाटका तेलंगाना केरला या फिर तमिलनाडु कर्नाटका वाले फिर बहुत सारे हैं कोलम में हुआ है ये बहुत बढ़िया राजपूत बॉय जी कर्नाटका वाले बहुत सारे हैं केरल या कर्नाटका सुमित सिंह कश्यप जी बोल रहे हैं भाई लाइक करो एक बार क्लास को शेयर भी करो नहीं मिलेंगे तुम्हें ऐसे क्वेश्चन ठीक है ना यहीं मिलेंगे तुम भी जानते हो ये बात तुमने भी सच को स्वीकार कर लिया है हम उनकी लाइफ में कोई और है भाई सर तुम्हें क्यों चाहना है किसी को जिसकी लाइफ में कोई और है क्या फ़ायदा है तुझे कुछ नहीं मिलेगा भाई लास्ट में मामा बन जाएगा तुम उसके बच्चे बेटा मामा बोल देंगे आके मत चाहो ऐसी चीज़ चाहनी क्यों है तुम्हें अब कल को मैं बोलता हूँ यार ऐसा कर भाई आईफी टावर दिलवा दे एक मैं क्यों चाहूँ ऐसी वस्तु वो सर बचपन के खेल हुआ करते थे जब हम हुआ करते थे तेरह साल के जब हमारा सपना हुआ करता था बड़े होंगे तो एस्टन मार्टिन लेंगे बहुत सारे लोग भारत में ऐसे होंगे जिन्होंने एस्टन मार्टिन का नाम नहीं सुना होगा मगर हम तेरह साल की आयु में ये सोचते थे कि एस्टन मार्टिन लेंगे आप एक मेच्योर एज में आकर आप अपने पिता से बोलो यार पापा चले एस्टन मार्टिन लेने भाई साहब जूता ऐसा मारेंगे कि पता नहीं कहाँ लगेगा तुम्हारे क्योंकि उनको पता है वो सच को स्वीकार करके बैठे हैं मगर आप आज भी प्लान कर रहे हो मैं तो एस्टन मार्टन ही लूँगा तो एज के साथ ये चीज़ें बेहतर होंगी तो भाई मत चाह ऐसी चीज़ को चाहो मत नुकसान अपना है घर का ही नुकसान है सर कोई फ़ायदा नहीं है सवाल का सही जवाब है केरला लीप की फुल फॉर्म पूछेगा मैं व्यक्तिगत तौर पे पूछ रहा हूँ इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है सी जी दोनों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है बाकी हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है अगला सवाल है रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैज इनोग्रेट अनमिशा एंड उत्कर्ष फेस्टिवल इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग सिटीज हाल ही में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने निम्नलिखित में से किस शहर में अनमेषा और उत्कर्ष का उद्घाटन किया है उत्कर्ष महोत्सव का उद्घाटन किया है, है सर डायरेक्ट बनते हैं सर चांसेस जयपुर भोपाल नई दिल्ली या फिर वाराणसी क्लोज कॉल है सर एकदम क्लोज कॉल है सम्राट ने पाँच से सात अरमोरी मैया गुरु जी आप स्टूडेंट स्मार्ट हैं आपके स्टूडेंट स्मार्ट हैं अच्छा हाँ सम्राट समझदार विद्यार्थी है वो कह रहा है मैं तो मारुति से लेके एस्टन मार्टन सब तक चाहूँगा कोई तो मिलेगी मतलब कोई तो गाड़ी मिल ही जाएगी क्यों सम्राट चलिए जी ले बेटा मगर कई बार गाड़ी पे कपड़ा मारने का काम भी मिल जाता है यह समस्या है इस देश की भारी समस्या है भोपाल सवाल का सही जवाब है बहुत बढ़िया सवाल का सही जवाब क्या है सवाल का सही जवाब है भोपाल एज इट इज आ सकता है सर ठीक है क्योंकि क्लोज कॉल इसीलिए ये ऑप्शन क्लोज है ये ऑप्शन क्लोज है और ये ऑप्शन क्लोज है, है दिल्ली बच्चा एलिमिनेट कर देगा मगर तीन ऑप्शन क्लोज है इसीलिए सोच समझकर जवाब देना है क्लोज कॉल है सवाल का सही जवाब भोपाल है मध्य प्रदेश भोपाल इस सवाल का सही जवाब है ठीक है बाकी सूर्य नाम का वो हाईएस्ट हॉनर दिया गया था द्रौपदी मुर्मू जी को वो भी याद रखना भारत की पंद्रहवें नंबर की राष्ट्रपति हैं प्राइम हैंजिडेंट ऑफ इंडिया हैं संथाली जनजाति से बिलोंग करती हैं झारखंड की राज्यपाल भी रही हैं दो के आसपास अगला सवाल है रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज कमेंस इस इट्स ओशियन शील्ड 2023 नेवल ड्रिल इन बाल्टिक सी सवाल है हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने बाल्टिक सागर में अपना ओशियन शील्ड 2023 नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है चीन रूस पोलैंड या फिर यूक्रेन क्या रहेगा सर सवाल का सही जवाब बाल्टिक सी से लगने वाली कंट्रीज़ आपको मिल जाएंगी रशिया पोलैंड जर्मनी डेनमार्क लुथियनिया लटाविया रशिया इस्टोनिया फिनलैंड ठीक है ना मतलब स्वीडन ये सारी कंट्री आपको वो मिल जाएंगी जो बाल्टिक सी के साथ सर डायरेक्टली इनडायरेक्टली बॉर्डर शेयर करती हैं डेनमार्क भी मिल जाएगा इसमें एक इतनी सारी कंट्रीज़ हैं तो नहीं पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शेयर अ बॉर्डर विद बाल्टिक सी उसके लिए आप परेशान मत होना ठीक है हाँ ये क्वेश्चन एज इट इज़ पूछ सकता है ओशियन शील्ड नाम का एक नौसैनिक अभ्यास किया गया है 2023 में ही किया गया है निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा तो सर सवाल का सही जवाब है रूस सबको डराना चाहता है ऑलमोस्ट उसमें सब नेटो कंट्रीज आपको देखने के लिए मिलती कई सारी नेटो कंट्रीज आपको देखने के लिए मिल जाएंगी तो प्रयास यही है ठीक है प्रयास यही है कि डराया जाए इनको किसी भी तरीके से ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब है रूस रशिया इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है अगला सवाल है रिसेंटली आदि पेरुकु कल्चरल फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड इन पिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हाल ही में आदि पेरुकु संस्कृति उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया गया है ऑप्शन है केरल तमिलनाडु कर्नाटक या फिर ओडिसा क्या रहेगा सवाल का सही जवाब चलिए क्या रहेगा सर यहाँ पर सवाल का सही जवाब ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं बहुत बढ़िया श्वेता सिंह श्वेता तिवारी जी रशिया बता रही है पिछले क्वेश्चन का आंसर सुमन ठाकुर जी ए तमिलनाडु तमिलनाडु वाले कई सारे हैं तमिलनाडु एम के स्टेलिन दीक्षा सिंह जी भी तमिलनाडु ही बता रही हैं ऑलमोस्ट थर्टी वन मिनट निकल गए हैं सर हम चौदह क्वेश्चन पर पहुँचे हैं चालीस करने हैं तो फास्ट करते हैं कवर सवाल का सही जवाब क्या है सवाल का सही जवाब तमिलनाडु है ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है हाईलाइट किसे कर लीजिए डायरेक्टली हाईलाइट कर लीजिए इसे और कैसा महोत्सव है सांस्कृतिक महोत्सव है कल्चरल फेस्टिवल है बताइए भारत का कल्चरल मंत्रालय कौन संभाल रहा है कल्चरल मिनिस्ट्री कौन संभाल रहा है इंडिया की सांस्कृतिक मंत्रालय कौन संभाल रहा है कल्चरल मिनिस्ट्री कौन संभाल रहा है भारत की <coughs> चलिए अगला सवाल है जस्टिस जी रोहिणी कमीशन जस्टिस जी रोहिणी कमीशन रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग जस्टिस हाल ही में खबरों में रहा जस्टिस जी रोहिणी आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है ऑप्शन है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एनजेक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज सब्जेक्ट कैटेगराइजिंग अदर बैकवर्ड क्लासेस ओ बी सी कास्ट ग्रुप या फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एम सी सी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है सर हाईलाइट कर लेना जस्टिस जी रोहिणी कमीशन को जस्टिस जी रोहिणी कमीशन जी किशन रेड्डी कल्चरल मिनिस्टर मिल जाएंगे बहुत बढ़िया ये न्यूज़ में है सर किससे से रिलेटेड है यहाँ पर सवाल ये पूछा जा रहा है चलिए जी सूरज कुमार जी स्किप कर दिया है मतलब अच्छा क्वेश्चन है ठीक है ना कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर आपने स्किप कर दिया है वहाँ पर आप जवाब दे देंगे पिंकी व्याकरण सही करो मेरी डोंट वरी मेरा सही है मेरा डोंट वरी अच्छा बहुत बढ़िया सर श्वेता जी बता रही हैं सी इज़ द राइट आंसर लक्की राज जी सी इज़ द राइट आंसर बहुत बढ़िया सवाल का सही जवाब क्या रहेगा सवाल का सही जवाब है सर अन्य पिछड़ा वर्ग ही ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब है जाति समूहों का उपवर्गीकरण के लिए ये संबंधित आपको मिल जाएगा सीधा पूछा जा सकता है सर इसको इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डालना वैसे सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं मगर इसको अलग से इंपॉर्टेंट डाल सकते हो अगला सवाल है रिसेंटली विच ऑफ़ द फॉलोइंग कंपनीज हैज़ हैंडेड ओवर द फर्स्ट रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश टू डी हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने आकाश का पहला रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर डीआरडीओ को सौंप दिया है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ की फुल फॉर्म हो जाएगी बताइए इसके करंट हेड कौन है इसके मौजूदा अध्यक्ष यहां पर आपको कौन देखने के लिए मिल जाएंगे ठीक है ऑप्शन में है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भारत डायनेमिक लिमिटेड लेरिसन एंड टर्बो या फिर गरुड़ एयर स्पोर्स गरुड़ एयर स्पेस से संबंधित मैंने आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था करंट अफेयर से ही रिलेटेड है कुछ तो बनाया था इन्होंने चलिए गरुड़ एरोस्पेस के बारे में आप पहले भी पढ़कर बैठे हैं सर आपने कहीं ना कहीं गरुड़ एरोस्पेस का नाम जरूर सुना है सीध समीर वी कामत अध्यक्ष आप बता रहे हैं बहुत बढ़िया सवाल का सही जवाब क्या दे रहे हैं ए दे रहे हैं कुछ कुछ सी दे रहे हैं कुछ कुछ दे ही नहीं रहे हैं अच्छा ए देने वाले काफ़ी हैं बी देने वाले भी हैं कुछ भारत डायनमिक वाले भी कुछ हैं क्या रहेगा सवाल का सही जवाब अर्चना पटेल जी सी बता रही हैं लारसन टर्बो द्रोण बनाया था हाँ जी द्रोण बनाया था उस द्रोण का नाम क्या था द्रोण बनाया था तो उस द्रोण का नाम क्या था क्योंकि न्यूज़ में रहा है और इम्पोर्टेंट है सवाल का सही जवाब है भारत डायनेमिक लिमिटेड समीर वी कामत वहाँ पर हेड आपको देखने के लिए मिल जाएंगे ठीक है समीर वी कामत यहाँ पर आपको हेड इसके देखने के लिए मिल जाएंगे डी आर डी ओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है भारत डायनामिक्स लिमिटेड भारत डायनामिक्स लिमिटेड बी डी एल इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है अगला सवाल देखिए अगला सवाल है रिसेंटली एन इंडियन नेवी डॉर्नियर मेरी पेट्रोल एयरक्राफ्ट एंड एन इंडियन एयरफोर्स सी वन थर्टी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट विस्टेड कोकस कैलिंग आइलैंड ठीक है कौन से आइलैंड गए थे सर ये काकोस गए थे कैलिंग आइलैंड इट इज़ इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री सर इतना बड़ा ना पूछ के डायरेक्ट पूछ लेगा कोकोस कैलिंग आइलैंड निम्बलिखित में से किस देश में मौजूद है इतना सा पूछ लेगा सर ध्यान रखिएगा जो नीचे लिखा हुआ है ना केवल इतना ही पूछ लेगा ऊपर वाला मिस कर देगा उठा के ताकि आपको याद ही ना आए कि किसकी बात की जा रही है क्वेश्चन यहीं से पूछेगा पूछेगा तो उठा के कॉकर्स कैलिंग आइलैंड जो कि न्यूज़ में रहा है 2023 में ये निम्नलिखित में से किस देश में मौजूद है सिंगापुर में है बहुत बढ़िया जी जहां हमें जाना है आइलैंड वहीं बनाना है ठीक है सिंगापुर बहुत बढ़िया जी क्या रहेगा सवाल का सही जवाब सर ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं अच्छे खासे ऑप्शन हैं सर सिंगापुर वाले बहुत सारे हैं सिंगापुर फर्स्ट पासपोर्ट इंडेक्स में भी सुमन ठाकुर जी बता रही हैं सर एक्सप्लेन कीजिए ठीक है सर एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं देखो हाल ही में भारतीय नौसेना के एक डोनियर समुद्र गश्ती विमान ने मतलब वो जो शिप होती है ना मतलब पेट्रोलिंग जो शिप होती है वो और सी वन थर्टी वो जो ग्लोब मास्टर आपको मिल जाता है बड़ा वाला जो प्लेन है ये दोनों विजिट करने के लिए गए एक आइलैंड पे जिस आइलैंड का नाम क्या है जिस आइलैंड का नाम है कोकोस आइलैंड ठीक है मतलब काम से गए विजिट करने के लिए गए ये वहाँ पहुँचे अब सवाल यहाँ पर यह है कि ये आइलैंड कोकोस या केलिंग दोनों ही नाम से पुकारा जाता है ये आइलैंड दुनिया के कौन से देश में मौजूद है या ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है तो जिसने ऑस्ट्रेलिया दिया था उसका सही था जिसने दिया सिंगापुर उसका मन जरूर था सिंगापुर जाने का मगर फायदा कोई नहीं होगा सिंगापुर जाने का इस चीज़ को ध्यान रखिएगा सवाल का सही जवाब क्या है सर सवाल का सही जवाब आपको मिल जाएगा आ, कोको स्कैलिंग आइलैंड ऑस्ट्रेलिया की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ठीक है जैसे मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया अगर यहाँ पर है ना तो ये काको स्कैलिंग आइलैंड कहाँ मिल जाएगा यहाँ की तरफ आपको ये मिल जाएगा मतलब इधर की तरफ आपको ये मिल जाएगा आइलैंड जो मिल जाएगा इतना डिफरेंस है मगर इसी की टेरिटरी में आता है ये ठीक है उसके ऊपर आपको देख जाएगा इंडोनेशिया सिंगापुर मतलब सब चीजें उसके आसपास आपको देखने के लिए मिल जाएंगी मगर ये कोकोस आइलैंड किसकी टेरिटरी के अंदर आता है तो ऑस्ट्रेलिया की टेरिटरी के अंदर ये देखने के लिए मिलता है अगला सवाल है रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज एनोग्रेटेड द ए एम सी क्लियरिंग लिमिटेड ए आर सी एल इट इज हेड ऑफिस इज़ इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग सिटीज़ हाल ही में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन ने ए एम सी रैपो क्लियरिंग लिमिटेड का उद्घाटन किया है इसका मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर मौजूद है सर फुल फॉर्म भी पूछ सकता है ठीक है और इसका उद्घाटन करने वाले का नाम भी पूछ सकता है कि उद्घाटन करने वाले का नाम क्या है ए एम सी रैपो क्लियरिंग लिमिटेड का उद्घाटन करने वाले का नाम क्या है निर्मला सीतारमन ये भारत में कहाँ पर है हैदराबाद गिफ्ट सिटी गुजरात मुंबई या फिर बेंगलुरु चलिए जी क्लास को एक बार लाइक कीजिए क्लास को एक बार शेयर भी कीजिए फटाफट फड़ से क्लास को एक बार लाइक और क्लास को एक बार शेयर कीजिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब सर ये एक क्वेश्चन दिख रहा है तुक्का भी नहीं लग नहीं लग पा रहा है सर ये एक क्वेश्चन टाइम दिख रहा है मारो मारो तुक्का मारना है जो मारना है वो मारो बी के साथ 42 परसेंट बच्चे हैं ऐसे बयालीस प्रतिशत बच्चे हैं जो बी के साथ यहाँ पर लगे हुए हैं धीरे धीरे करके कम होते जा रहे हैं सवाल का सही जवाब क्या है गिफ्ट सिटी इस सवाल का सही जवाब नहीं है इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मुंबई इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही और सटीक जवाब है ऑप्शन नंबर सी ठीक है ठीक ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है इससे मुझे भी कंफर्म हो जाएगा कितने गलत दे दो चालीस प्रतिशत बच्चों ने जवाब गलत दिया है सवाल का सही जवाब चालीस प्रतिशत बच्चों ने गलत दिया है ठीक अगला सवाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल है रिसेंटली द मेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट 2023 हैज़ बीन इनोग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज रिसेंटली द मेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट 2023 हैज़ बीन इनोग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ हाल ही में पुरुष एशियाई ट्रॉफी हॉकी ट्रॉफी टूर्नामेंट दो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया है हैदराबाद भुवनेश्वर चेन्नई या फिर नई दिल्ली रहेगा सर सवाल का सही जवाब उन्नीसवा क्वेश्चन साठ प्रतिशत लोग ऐसे हैं बी जवाबी थ्री परसेंट बच्चे ऐसे हैं बी जवाब दिया लगभग सेवन थ्री सेवन चौहत्तर प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जो बी जवाब दे रहे हैं बहुत बढ़िया भाई मतलब शानदार धुआं काट रहे हो बिल्कुल सवाल का सही जवाब चौहत्तर प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जो बी दे रहे हैं सेवेंटी सेवन परसेंट सौ परसेंट तक लेकर जाओ भाई इसको हंड्रेड परसेंट तक लेकर जाओ इसको कम से कम सौ प्रतिशत तक हंड्रेड परसेंट बच्चे ऐसे होने चाहिए जो बी जवाब दे रहे हो ना तब फिर मजा आए कम से कम चले कोई दिक्कत नहीं है तो हाइएस्ट सेवेंटी एट परसेंट दिखा है मुझे अठहत्तर प्रतिशत बच्चे बी जवाब दे रहे हैं बहुत बढ़िया सवाल का सही जवाब क्या है चेन्नई इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है अठहत्तर प्रतिशत बच्चों ने जवाब गलत दिया है रिसेंटली द मैंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी हाईलाइट कर लो भाई हॉकी टूर्नामेंट 2023 हैज़ बीन इनोग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज तो सवाल का सही जवाब है चेन्नई ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब है चेन्नई इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है सबका गलत है सेवेंटी बच्चों का गलत है जवाब सेवेंटी एट बच्चों का जवाब गलत था अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली मट्ठी बनाना जादेरी नवक काटी एंड चेडी भुट्टा कॉटन साड़ीज हैज रिसीव जी आई फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट दोबारा पढ़ लो हाल ही में मेठी केला ज, 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 जदेरी नामकट्टी और चेदी भुट्टा सूती साड़ियों को निम्नलिखित में से किस राज्य का जी आई प्राप्त हुआ है केरल तमिलनाडु कर्नाटका या फिर तेलंगाना बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई चौवन प्रतिशत बच्चे सत्तावन प्रति क्या बात है भाई साहब मतलब आपस में स्पर्धा हो रही है बी और सी में चलिए जी ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है 59 परसेंट बच्चे ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन का बी जवाब दे रहे हैं 59 परसेंट बच्चे ऐसे हैं जो सवाल का सही जवाब जो है वो बी हो रहे हैं दे रहे हैं चलिए जी क्या रहेगा सवाल का सही जवाब ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी करिए ट्राई एक बार बहुत बढ़िया हंड्रेड प्लस एक बार खींचिए भाई क्लास को फटाफट से ज़बरदस्त शेयर करिए एक बार जल्दी से सवाल का सही जवाब क्या है सवाल का सही जवाब है सर यहाँ पे तमिलनाडु ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है तमिलनाडु सवाल का सही जवाब है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जीआई टैग ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं भौगोलिक संकेत प्रदान करता है वो उसको भारतीय अंगदान दिवस बॉडी पार्ट जो डोनेशन डे होता है ना या फिर इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे इज़ ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज एवरी ईयर भारतीय अंगदान दिवस हर साल निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है एक अगस्त दो अगस्त तीन अगस्त या फिर चार अगस्त किस दिन मनाया जाता है सर ये चलिए ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं सर जवाब देने की कोशिश कीजिए किस दिन मनाया जाता है ये डोनेशन डे क्या रहेगा सवाल का सही जवाब सर फर्स्ट सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ ऑर्गन डे कब मनाया जाता है सर तीन अगस्त वाले काफ़ी सारे बच्चे हैं ए के साथ 41 परसेंट बच्चे ऐसे हैं जो अभी ए जवाब दे रहे हैं 39 परसेंट अभी है। जो ए जवाब दे रहे हैं मतलब ए के साथ ज़्यादा बच्चे हैं फोर्टी टू परसेंट फोर्टी वन परसेंट दीजिए दीजिए जवाब दीजिए जल्दी जल्दी से ताकि वो पोल जो है वो इंक्रीज़ होगा वो वहाँ तक पहुँचेगा जहाँ तक उसे आप पहुँचाना चाहते हैं पिंकी जी भी बी दे रही हैं जवाब मतलब थर्टी फाइव परसेंट बच्चे अभी ऐसे हैं जो ए दे रहे हैं कुछ प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जो बी दे रहे हैं और बहुत कम प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जो सी दे रहे हैं ठीक है अधिकतम बच्चे अभी ऐसे हैं ए और बी के साथ वाले ए और बी के साथ वाले मैक्सिमम बच्चे हैं सभी का गलत है जो सी दे रहा था ऑप्शन नंबर थर्ड उसका सवाल का जवाब सही है इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे सालाना कब मनाया जाता है सालाना तीन अगस्त को मनाया जाता है बताइए 2023 में इसकी थीम क्या रही 2023 की इसकी थीम क्या रही यहाँ पर इसका विषय आपको क्या देखने के लिए मिल जाएगा ठीक है थीम बता दीजिए फटाफट से कमेंट करके अगला सवाल है रिसेंटली द वन थर्टी एडिशन ऑफ दुरंद कप दुरंद कप की यहाँ पर बात कर रहे हैंज कमेंट्स इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स बहुत बेसिक सवाल है भाई बहुत ही सिंपल साधारण सा सवाल है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया अगला सवाल दुरंद कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेलों से यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा दुरंत कप का संबंध किस खेल से देखने के लिए मिल जाएगा और वन थर्टी फर्स्ट नंबर का जो दुरंत कप है उसका विनर कौन था उसका विजेता यहाँ पर आपको कौन देखने के लिए मिल जाएगा क्रिकेट फुटबॉल बैडमिंटन या फिर हॉकी बहुत बेसिक सवाल है इसका सौ प्रतिशत सही आना चाहिए हंड्रेड परसेंट सौ प्रतिशत सही दीजिए अभी सेवेंटी सेवन परसेंट बच्चे ऐसे हैं जो बी जवाब दे रहे हैं हंड्रेड परसेंट तक लेकर आइए इसको सौ प्रतिशत तक और क्लास को एक बार शेयर कीजिए एक बार लाइक भी कीजिए और सौ तक लेकर जाइए क्लास को भी खींच के एक बार इसमें सौ प्रतिशत जाना चाहिए जी विकास तिवारी जी फुटबॉल सवाल का सही जवाब है मगर अभी भी एटी टू प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं केवल बयासी प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फुटबॉल को सही माना है बाकी ए के साथ हैं कुछ बी के साथ हैं कुछ सी के भी साथ हैं तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है फुटबॉल वन थर्टी फर्स्ट दुरंत कप का विनर कौन था उसको भी एक बार कमेंट कर दीजिए अगला सवाल है रिसेंटली न्यू डेवलपमेंट बैंक हैज इलेक्टेड थोरैया अल्मी फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री एज अ मेंबर ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सवाल है एनडीबी ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 2014-15 में स्थापना की गई थी के वी कामत इसके पहले अध्यक्ष हुआ करते थे इसे ही ब्रिक्स बैंक के नाम से भी हम जानते हैं ब्रिक्स का एक्सपेंशन हुआ है थोड़े दिनों पहले हमने देखा है ब्रिक्स समिट हुआ था ब्रिक्स मीटिंग हुई थी वो भी हमने देखी है साउथ अफ्रीका में ठीक तो हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक में निम्नलिखित में से किस देश को थुरैया अलहाशमी को अपने निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में चुना है किस कंट्री से बिलोंग करते हैं ये सऊदी अरेबिया ओमान कतर या फिर यू बताइए जी पचास प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जो ए जवाब दे रहे हैं चालीस प्रतिशत ऐसे हैं जो चवालीस प्रतिशत पचास प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जो ए जवाब दे रहे हैं चलिए ट्राई कीजिए भाई <coughs> अब कम से कम पोल से यह अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने प्रतिशत बच्चे जवाब सही दे रहे थे क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आइडिया नहीं रख पाता सर कितने लोग सही दे रहे हैं कितने लोग गलत दे रहे हैं चौवन प्रतिशत प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पर जवाब ए दे रहे हैं ए वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है अट्ठावन प्रतिशत फिफ्टी नाइन परसेंट ऑलमोस्ट सिक्सटी परसेंट के आसपास पहुंच गया है ये डाटा ए वाला ठीक है ऑप्शन में है सर सऊदी अरेबिया ओमान कतर या फिर यू सऊदी अरेबिया देने वाले बहुत सारे बच्चे हैं मतलब ऑलमोस्ट मैक्सिमम बच्चे सऊदी अरेबिया दे रहे हैं मगर सवाल का सही जवाब क्या है यू इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही जवाब है यू समझ सकते हो सिक्सटी परसेंट बच्चों ने गलत जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही जवाब है यू इस क्वेश्चन का सही और सड़ी आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु अमंग द फॉलोविंग टेकन ओवर द चीफ ऑफ स्टाफ ईस्टर्न नेवल कमांड चीफ ऑफ स्टाफ हाल ही में निम्नलिखित में से किसने पूर्वी नौसेना कमान चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का पदभार संभाला है सर अलग क्वेश्चन है रिसेंटली हु अमंग द फॉलोविंग टेकन ओवर द चीफ ऑफ स्टाफ ईस्टर्न नेवल कमांड वाइस एडमिरल संजय वाइस एडमिरल समीर सक्सेना विश्वजीत दास गुप्ता या फिर के रमन <coughs> चलिए जी अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टी थ्री परसेंट बच्चे सी जवाब दे रहे हैं अभी तक फोर्टी थ्री परसेंट बच्चे ऐसे हैं जो सी जवाब दे रहे हैं अरे वाह गलत गलत वाले तो प्रतिशत आप देख ही हो कितनी अधिक है अभी हमारे बीच में 43 परसेंट बच्चे ऐसे हैं 33 परसेंट बच्चे 38 परसेंट बच्चे ए वाले बहुत सारे हैं मतलब ए वाले भी हैं बराबर और बी वाले भी लगभग 40 प्रतिशत के आसपास है मतलब ए और बीच बी में जो है वो अच्छा खासा कंपटीशन देखने के लिए मिल रहा है सवाल का सही जवाब बी है वाइस एडमिरल इस क्वेश्चन का सही आंसर मिल जाएगा आपको समीर सक्सेना ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब है समीर सक्सेना इस क्वेश्चन का सही और सटीक आ जाइए सर ठीक है जी चीफ ऑफ ईस्टर्न नेवल की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सर आगे हैं भाई सर कुछ प्रमोशन करना चाहते हैं जी सर चलिए थैंक यू सो मच सर देखो प्यारे <coughs> बच्चों कल है सैटरडे और काफ़ी दिन से आप लोगों की मैराथन नहीं हुई है और आप लोग डिमांड भी कर रहे थे किसको लेकर सी जी एल में इसको लेकर क्योंकि सी जी एल का एग्ज़ाम है पच्चीस छब्बीस सत्ताईस में आपको पता ही है बहुत ज़्यादा समय नहीं है तो चार बजे से लेकर आप लोगों का सात बजे तक मैराथन होने वाली है किसकी मैथ और साइंस की कल शाम की बात कर रहा हूँ दोपहर चार बजे से सात बजे तक तो सभी बच्चों से अनुरोध है सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों को भी शेयर कीजिए और आप सभी को तो आना ही आना है एक बार फिर से टाइमिंग बताई दे रहा हूँ चार बजे से लेकर शाम सात बजे तक और मुझे उम्मीद है कि आप सारे लोग मुझे दिखाई देंगे मैंने कमेंट बॉक्स में आपके नाम देख लिए देखते हैं कौन जो बच्चा नहीं आएगा फिर मैं सर से शिकायत कर दूंगा आपकी डांट पड़ने वाली है बिल्कुल सर थैंक यू सो मच सर चलिए तो क्या रहेगा सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब था नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार अगला सवाल है रिसेंटली लॉन्च स्टडी इन इंडिया पढ़ा है भाई आपने ये रिसेंटली लॉन्च स्टडी इन इंडिया पोर्टल इज एन इनिशिएटिव ऑफ बिच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज सवाल है हाल ही में लॉन्च किया गया स्टडी इन इंडिया पोर्टल निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की एक पहल आपको देखने के लिए मिल जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री या फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रीनरशिप क्या रहेगा सवाल का सही जवाब सर अभी कंप्लीट नहीं हुई है भाई अभी पाँच मिनट और पढ़ाऊंगा कम से कम स्टडी इन इंडिया स्टडी इन इंडिया नाम का जो पोर्टल आपको मिल जाएगा वो किसके द्वारा 60 परसेंट बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ है ऑलमोस्ट जल्दी जवाब आपने दे दिया थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट कराने हैं तो ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एच मिनिस्ट्री धर्मेंद्र प्रधान अगला सवाल है वासीपू इक्कम स्कीम वासी पु यक्कम स्कीम जो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी ये स्कीम जो है वो रिसेंटली न्यूज़ में थी इसे किस राज्य में इम्प्लीमेंट किया गया है देखो यार मेरे को ना इन क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की नीड नहीं बनती आप बोलोगे क्यों नहीं बनती आपको एक्सप्लेन करना चाहिए यार अगस्त दो के क्वेश्चन है अगर अगस्त 2023 के क्वेश्चन मैं अक्टूबर में जाकर मतलब ऑलमोस्ट आज 29 30 सितंबर है और अगर आज मैं इनको जाकर एक्सप्लेन करता हूं तो फिर तुमने क्या पढ़ा है ना पिछले एक महीने डेढ़ महीने में ऐसा <coughs> तो है नहीं कहीं करंट अफेयर नहीं पढ़ रहे कहीं तो पढ़ ही रहे हो क्या रहेगा सवाल का सही जवाब तेलंगाना आंध्र प्रदेश केरल या फिर तमिलनाडु ऑप्शन नंबर बी के साथ 42 परसेंट बच्चे हैं 42 प्रतिशत बच्चे बी के साथ यहां पर नजर आ रहे हैं 44 प्रतिशत बी के साथ हैं तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश में से एक होगा एक देना है सर आंध्र प्रदेश वाले ज्यादा हैं बी के साथ ज्यादा बच्चे नजर आ रहे हैं आंध्र प्रदेश के साथ तो चलिए फोर्टी फाइव परसेंट बच्चे जो है वो बी जवाब दे रहे हैं ऑलमोस्ट सबका गलत है सवाल का सही जवाब है तमिलनाडु मतलब फोर्टी फाइव परसेंट बच्चे जो जवाब दे रहे हैं बी उन सब का गलत है सर पढ़ रहे हैं बट ये कौन कोई नहीं पढ़ाता दिक्कत है समस्या है इस देश की ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब है नहीं ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही जवाब है तमिलनाडु इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है स्कीम के बारे में पढ़ लेना अगर नहीं पढ़ रखा तो मेरी व्यक्तिगत तौर पर सलाह है डायरेक्ट पूछ सकता है अगला सवाल है रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज लॉन्च विवाद से विश्वास दो कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट स्कीम हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने विवाद से विश्वास द्वितीय संवाद विवाद योजना शुरू की है कौन से मंत्रालय ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेटिव अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस क्या रहेगा सवाल का सही जवाब सब साउथ स्टेट एक साथ आने से दिक्कत हो जाती है सर क्वेश्चन के ऑप्शन तो नियर ही देगा ना आप समझ ही रहे हैं चलिए जी क्या रहेगा सवाल का सही जवाब कौन सा मंत्रालय है डी के साथ हैं लगभग 48 परसेंट बच्चे सर जी आप पढ़ा दीजिए गया तो लुटिया डूब जाएगी ठीक है मैं पढ़ा तो रहा हूँ इसलिए कल भी मेरी क्लास है सुबह ग्यारह बजे हो सकता है मैं भी मैराथन ले सकता हूँ कल सुबह ग्यारह बजे ना क्योंकि सोनू और सोनू सर और मैं अभी प्लान कर रहे हैं मैराथन का तो सुबह ग्यारह से हम भी ले सकते हैं दो के आसपास बाकी ग्यारह बजे आओगे भाई जितनी लंबी चलेगी चल जाएगी अपनी तो कोई दिक्कत है ही नहीं आपको पता ही है ठीक है बहुत बढ़िया कुछ बच्चों ने सही दिया मगर 43 परसेंट बच्चे अभी भी लॉ एंड जस्टिस के साथ हैं ऑप्शन नंबर डी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सवाल का सही जवाब है निर्मला सीतारामन जी के द्वारा स्कीम को लॉन्च किया गया है ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब है स्कीम अप्लाइड टू ऑल डोमेस्टिक कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट को दूर करने से संबंधित यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी आगे है रिसेंटली लिरिसिस्ट नामदेव ढोंडो मनोहर से हाईलाइट कर लीजिए नामदेव ढोंडो ही वॉज एसोसिएट विद विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज हाल ही में कवि गीतकार नामदेव गोंडो महानोर का निधन हो गया है वह मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा से जुड़े हुए थे संस्कृत मराठी या फिर गुजराती निम्नलिखित में से कौन सी भाषा से यहाँ पर वो जुड़े हुए थे सवाल यहाँ पर ये यह है चलिए जी क्या रहेगा सवाल का सही जवाब ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं ऑप्शन नंबर ए बी सी या फिर डी तो सवाल का सही जवाब यहाँ पर आपको मिल जाएगा सर मराठी ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब है मराठी दो क्वेश्चन और पढ़ाने चालीस थे वैसे तो रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज सरपास्ड विश्वनाथन आनंद एज इंडिया टॉप रैंक चेस प्लेयर इन लाइव वर्ल्ड रैंकिंग हाल ही में निम्नलिखित में से कौन लाइव विश्व रैंकिंग में विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर भारत का शीर्ष रैंक वाला शतरंज खिलाड़ी बन गया है विश्वनाथन आनंद को पछाड़ दिया है डी गुकेश इनका नाम है ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब है डी गुकेश इनका नाम आपको देखने के लिए मिल जाएगा और ये लास्ट क्वेश्चन है ये होमवर्क है भाई थर्टी क्वेश्चन होमवर्क है वैसे तो दस और पेंडिंग है इसमें देखेंगे कभी करवा दूंगा मैं इस क्लास की सॉल्व पी आपको व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगी व्हाट्सअप ग्रुप का नंबर है ट्रिपल एट टू वन जीरो थ्री नाइन वन फाइव ये यहाँ पर आपको इस व्हाट्सअप ग्रुप का नंबर मिल जाएगा यहाँ से आपको इसकी पी जो है वो प्राप्त हो जाएगी ठीक <coughs> है चलिए ये क्वेश्चन होमवर्क है थर्टी नंबर का हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए बाय बाय टेक केयर क्लास अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा और बहुत मुश्किल क्वेश्चन है भाई क्योंकि आपने देखा है 50 50 परसेंट लोग गलत जवाब दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है आसान है इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देकर जाना और दीक्षा की फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है वो भी याद रखना ठीक चलिए जी कल का टॉपिक कल का टॉपिक मैराथन के रूप में ही देखेंगे ठीक चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर एंड गॉड ब्लेस ऑल